नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ड्राई स्किन, रूखी सूखी त्वचा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी त्वचा में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पहला ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड, जिससे पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। दूसरा ग्लैंड होता है सेबेसियस ग्लैंड, जिससे सीबम नाम का एक फ्लूइड निकलता है। दोस्तों, ये दोनों फ्लूइड, मतलब पसीना, स्वेट और सीबम, हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करते हैं, मतलब हमारी त्वचा में ये मुलायमपन लाते हैं और हमारी त्वचा को सूखा होने से, रूखा होने से ये बचाते हैं। जब ये दोनों ग्लैंड काम करना कम कर दें या बंद कर दें और सीबम निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए और स्वेट निकलना कम हो जाए या बंद हो जाए किसी भी कारण से, तो हमारी त्वचा ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और रूखी और बेजान दिखने लगती है। दोस्तों, इस कंडीशन को हम जीरो डर्मा बोलते हैं या ड्राई स्किन बोलते हैं। आमतौर पे ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हमें सर्दियों में होती है, जो कि मौसम आने ही वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्राई स्किन क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा और सबसे लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ठंड, मतलब ठंडी के सीज़न में जो ठंडी और सर्द हवाएं और जो रूखी हवाएं चलती हैं, जब वो हमारी स्किन से टकराती हैं, तो सबसे पहले तो जो स्वेट ग्लैंड होता है वो गर्मी में ज़्यादा काम करता है, गर्मी में पसीना हमें ज़्यादा आता है, उसे जब लगता है कि पसीने की ज़रूरत नहीं है तो पसीना नहीं निकालता। उसके बाद जो रूखी हवाएं जो आती हैं, वो हमारे स्किन में जो मॉइस्चर होता है उसको सोख लेती है, जिसके कारण जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है, रूखी हो जाती है। दूसरा कारण है वॉशिंग, मतलब बार बार हम हाथ धोते हैं या हमें बार बार नहाने की आदत लगी हुई है, तो हमारी जो स्किन है वो रूखी दिखती है, सूखी दिखती है और बेजान दिखती है। अगर हम ऐसे साबुन से नहाते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श हो, मतलब किसी भी तरह का मॉइस्चराइज़र ना हो, बहुत सारे साबुन आते हैं मार्केट में जिसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऐसे साबुन से हमें नहीं नहाना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनहेलर यूज़ करते हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, लास्ट में ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम जेनेटिक भी होती है। तो अगर आपके मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम हो, ठंडियों में हमेशा हाथ पैर फटते हो या शरीर पूरा सूखा रूखा बेजान रहता हो, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये थे इसके कॉजेस, कारण। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम की तरफ। तो बहुत ही सिंपल है, अगर ड्राई स्किन होगी तो हमारी जो स्किन है वो रूखी, सूखी और बेजान होगी। दोस्तों, आमतौर पर ये प्रॉब्लम हमें चेहरे में होती है, हमारे लिप्स में होती है, हमारे फूट में होती है और साथ ही साथ हमारे हाथों में, पैरों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ड्राई स्किन के साथ कभी कभी खुजली भी होती है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो हल्का सा खुजलाहट भी हो सकती है और एक्सफोलिएशन भी हो सकता है, मतलब जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो हल्की सी वाइट वाइट फ्लेक्सेस, डेड स्किन जो है वो निकल सकती है। तो ये है इसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको मॉइस्चराइजर का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ये है कैलेंडुला प्लस लोशन, जो कि हेप्डको कंपनी का है। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, साथ ही साथ ये जो खुजली होती है और जो फ्लेक्सेस निकलते हैं उसको भी ये कम करता है। तो आप इसको यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। दोस्तों, मॉइस्चराइजर का उपयोग आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे सुबह उठे, आप नहाने जाते हैं, नहाएं, उसके बाद आएँ तो मॉइस्चराइज़र पूरे शरीर में इवनली आप अच्छे से लगा लें, जिससे आपके शरीर में जो मॉइस्चर की कमी है वो ना हो और आपकी जो स्किन है वो ड्राई ना हो, सूखी ना हो। तो सुबह एक बार मॉइस्चराइज़र का उपयोग ज़रूर करें और अगर टाइम मिले तो आप दोपहर में भी एक बार ज़रूर करें मॉइस्चराइज़र का उपयोग और शाम को एक बार करें। ठंडियों में अगर आप 3 बार मॉइस्चराइज़र का उपयोग करते हैं तो आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। अब चलते हैं कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे आपको ये ड्राई स्किन की प्रॉब्लम अगर सालों से हो तो ठीक हो जाए, दोबारा ना हो। सबसे पहली मेडिसिन है पेट्रोलियम। दोस्तों, पेट्रोलियम ड्राई स्किन के लिए सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में। अगर आपकी स्किन रूखी, बेजान और सूखी हो
तो पेट्रोलियम का उपयोग जरूर करें। दोस्तों, रूखेपन के साथ अगर खुजली होती हो तो पेट्रोलियम का उपयोग जरूर करें। आप ऐसे करते हो और भूसी जैसी निकलती हो तो पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको सर्दियों में ये प्रॉब्लम हर साल होती हो तो पेट्रोलियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, पेट्रोलियम को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, दो बूंद सुबह सुबह आपको पीना है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में पेट्रोलियम 200 है, दो बूंद डायरेक्टली टंग में सुबह सुबह एक बार आप पियेंगे, डेली आपको पीना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये ड्राई स्किन के लिए। दूसरी मेडिसिन है एलुमिना। दोस्तों, एलुमिना भी ड्राई स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको ड्राई स्किन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की भी प्रॉब्लम हो और मुंह भी काफ़ी सूखता हो आपका और आपका पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता हो, इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना को 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है, 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है, दो बूंद दोपहर में एक बार पीना है। तो सुबह आप पेट्रोलियम ले लीजिए और दो बूंद दोपहर में एलुमिना ले लीजिए। तीसरी और आखिरी मेडिसिन है सारसा परेला। दोस्तों, सारसा परेला को भी 200 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। दोस्तों, सारसा परेला ड्राई स्किन के लिए, सूखी स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन त्वचा सूखी हो और रिंकल्स काफ़ी बन गया हो, मतलब बिल्कुल बेजान और बिल्कुल मुरझाई हुई स्किन हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सारसा परेला। ड्राई स्किन के लिए सारसा परेला का उपयोग ज़रूर करना चाहिए पेट्रोलियम 200 और एलुमिना 200 के साथ। तो पेट्रोलियम 200 दो बूंद सुबह सुबह पीना है, एलुमिना 200 दो बूंद दोपहर में पीना है और सारसा परेला 200 दो बूंद आपको डायरेक्टली टंग में रात में पीना है। साथ में आपको ये कैलेंडुला प्लस एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है दिन में 3 बार। तो ये मेडिसिन अगर आप यूज़ करेंगे ठंडियों में तो आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, सर्दियों में भी रहती है, गर्मियों में भी रहती है और बरसात में भी रहती है, तो मेडिसिन अगर आप 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिएगा तो उसके द्वारा बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिएगा तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियो आता रहता हूँ, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको अगर आप किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। उसको नीचे एक शेयर के बटन दीजिए तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you so much. Bye.